फाइनली ट्रैक ड्रॉप हो चुका है कलमिंग की तरफ से। गाने का नाम है जिंदगी, एल्बम का नाम है कोल्ड वर्ल्ड। तो चलते हैं फिर सीधा ट्रैक पर, देखते हैं गाना कैसा। यस भाई, मतलब जब उसने कलमिंग ने गाना स्टोरी पर डाला था ना, हाँ मैंने सुना था भाई, सब जो एग्रेशन एंड जो स्टोरी लाइन वो बता रहा था ना अपने स्ट्रगल के बारे में, बिल्कुल भाई मतलब फाड़ था। और उसमें थोड़ा गंदा भी बोला है उसने तो उसके लिए भी एक्साइटेड है। तो लेट्स गो भाई, वाइब लेते हैं ट्रैक। प्रीमियर की आवाज बहुत तेज रहती है, गानों की नहीं रहती भाई। भाई भाई के साथ है इस बारी तो वीडियो, ये भी बहुत कैडी चीज है। संगीत, यस सर, सीसी ऑफ करना पड़ेगा। मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, पूरा था बस किस्मत को कोसता। जिस फड़वे को सांप बुलाता मैं आज, वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त था। वो बंदी के पीछे बदल गया, मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे। परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला कहीं माँ की चूत में। मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक मास। मतलब ही भाई, भाई हाँ अब पूछ रहा है, अब पूछ रहा है मैं कहाँ पे हूँ, तो अब मैं हूँ यहाँ भाई। मतलब एक तरीके से गाली वैसे नहीं, भाड़ में जा भाई, भाड़ में जा अपनी। मतलब भाई पहले जब तुमने नहीं पूछा और बोल रहा है कि मैंने मेहनत से पहुंचा है यहाँ, तू और तू किस्मत को कोस रहा है। भाई मेहनत कर, मेरी तरह बन जाएगा वाला वाइब से, मतलब मोटिवेशनल एक तरीके से। और मेरे साथ क्या क्या हुआ वो दोनों चीज बता रहा है। Yes, let's go man. मैं ऐसे नहीं आया यहाँ तक, माँ से पूछ के कैसे हालात थे। बाप का माता था जितना, उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के। और रास्ते पैसा नहीं संभल रहा, एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे। आज बुढ़िया की हाइट तो चेक कर, सच्ची भी लेने वो जारी मस्टैंग। UK07 भी आ गया भाई साथ में, let's go। और भाई ये लाइन मेरे को बहुत ही सही लगी भाई, हाइप तो चेक कर बुढ़िया की। बोलने में अजीब लग रहा है बुढ़िया, इसमें कोई डिसरिस्पेक्ट वाली नहीं, क्योंकि कलमिंग ने बोला इसलिए। और मम्मी वो कह रहे कि उनको देखो भाई, अब सब्जी ले रहे हैं। यस ब्रो, फ्लेक्स देख रहे हो, फ्लेक्स ये भाई, असली फ्लेक्स है। और ये मेहनत वाला फ्लेक्स है ब्रो, तो इसमें कोई आवाज उठा नहीं सकता। Let's go man, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइट तो चेक कर, सच्ची भी लेने वो जारी मस्टैंग में। और लास्ट एक साड़ी डिजाइनर है, आइस दिला रही बेटों ने पैरों तक। उस बाप को क्या ही दिला दूं, वो खुश आता खुद ही मैं बेटों को देखकर। इफेक्ट फ्लेक्स भी है, किलर भी गिने आज फ्लेक्स भी है। दोनों भाइयों ने बना डाला यहाँ पे एम्पायर, तू खाली बस देखता रहे। दिल रखता साफ मैं, कभी भी किसी का बुरा नहीं मांगता। शायद तभी मैं तरक्की छूरेला लड़का, ये हीरा है खुदा भी जानता। मेरी बंदी का फ्लेक्स तो चेक कर, बाप की स्विफ्ट से बंदे की गाड़ी में। ये स्क्वाड कोड में कोनी जमता रे बाबा, तभी बंदी थी ये साड़ी में। पर आज भी याद आ जाती है आपकी, जब भी मैं तारों को घूरता। तो शायद से रोशनी थी रे जिंदगी, तभी तो अंधेरा दूर था। आज भी रोता मैं रातों को, आज भी गीले होते तेरी यादों से नैनिये। तू दूर है तभी भी चैन है दिल को मेरे, तू जहाँ भी जैसी भी है। बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा, होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा। पर तभी भी दिल में ना, तगड़ी बात है, सिद्धू मूसे वाली वाइब लगी मेरे को। कह सकते हो भाई, जनाजे जनाजा मिटिया है जब भरते चेहरे तो सिद्धू मूसे वाले वाइब आ रही है। भाई सही में भाई, इतना फेमस हो जाएगा ब्रो, जिस हिसाब से क्या कहते हैं फैन बेस और वो जो गैंग बन रही है ना ब्रो। और गाना अच्छा है और काम अच्छा है भाई। यस, इसीलिए बन रही है भाई, वो कनेक्शन हो रहा है, वो कनेक्शन लेजिट है, तो वो लंबे टाइम तक रहेगा भाई। तो लेट्स गो मैन, तू जहाँ भी जैसी भी है, बस वादा कर ध्यान तू रख लेगा। होना है इतना मशहूर कि मेरे जनाजे पे जहाँ ये निकलेगा। पर तभी भी दिल में ना होगी ये शांति, क्योंकि एक वो ही नहीं निकलेगा उस दिन, जिसकी वजह से मेरा ये जनाजा निकलेगा। अभी भी लिखता हूँ आप पे गाने भाई साहब, बहुत जज्बात बदल दिए, दुनिया पलट दी। बिल्कुल भाई, वो एक पॉइंट रखा हुआ था, वो जो रख के मारा ना, कि वो फिर भी नहीं आए वो। और वो उसी की बात है, वो दोस्त वाली जो बात सुनो, उसी की वजह से जनाजा निकल रहा है और वो ही नहीं आएगा। तू यही तो चाहता था ब्रो, है ना। और जब वो भी हो रहा है तो तब भी नहीं आ रहा क्या भाई। मतलब बहुत सही भाई, वो पलट के जो दिए ना भाई रैपट हमें, वो गलत है भाई बहुत ही। जिसकी वजह से मेरा ये जनाजा निकलेगा। अभी भी लिखता हूँ आप पे गाने, अभी भी मेरे ये हाथ कांपते। अभी भी जॉइंट है मुंह पे लगा रखा, अभी भी तेरे हम नाम से चीखते। पैसा कमा लिया बहुत, प्यार का भूखा हूँ प्यार की भीख से। तुम मिलके भी आके चुरा लेती मेरे से साली, तू सच में ही ढीठ है। इस दिल के पर दिल पे नहीं रखता मैं, जो भी हूँ मुंह पे मैं मुंह पे हूँ बोलता। तू डर के क्या करेगा जाने, मत सांप सा रेंग मत दुनिया ये नेवला। ये कच्चा चबा डाले तेरे को, खुद ही से घुटा तू कैसा इंसान है। अपनी माँ का ध्यान रख, छूत ये सुना नहीं तूने, माँ बाप भगवान है। मतलब पे करता ये मतलब के कॉल्स, ऐसे से रिश्तों का
स्मोक वाला टेक्सचर एंड वो जो फ्लो है अभी जो आया नया वाला, लेट्स गो मैन। खुद ही से घुटा तू कैसा इंसान है, अपनी माँ का ध्यान रख, छूत ये सुना नहीं तूने, माँ बाप भगवान है। स्मोकिंग दी हर्ब्स एंड बॉल्स, मतलब पे करता ये मतलब के कॉल्स, ऐसे से रिश्तों का क्या ये फायदा, मर जाना पैसों के पीछे इंसान। हाथ ही एम्बुलेंस निकलती बगल से, तो मैं हूँ दुआ हूँ करता कि उसको सलामत रख, क्या कोई और करेगा दुआ जब मैं रहेगा वहाँ, या जब मेरा पूरा वॉक ब्लिंग ब्लिंग करेगा। मेरी और आइस ने इस पे ये पसीना फ्री स्टैंड तक रहूंगा क्रीज पे, मेहनत का बीच रखा हुआ है कान के बीच में, गानों से फील दू कला ये। रुक जाओ भाई, मैं बोलने पे ज्यादा फोकस हो गया, क्या भाई मेहनत का बीज रखा हुआ है बीच में, है रुक जा पूरी लाइन क्या आई पीछे से भाई, मैं सुनना चाहता हूं एक बार। मेरा पूरा वॉक ब्लिंग ब्लिंग करे अब चेन से मेरी, और आइस ने इस पे ये पसीना फ्री स्टैंड कर रहूंगा क्रीज पे, मेहनत का बीज रखा हुआ है कान के बीच में, गानों से फील दू कला ये। ऐसी है मैंने है छोड़ी जो गद्दी, वो तेरी है काटूंगा सुबह मैं, जिससे भी बीफ हो शायर है हम जनाब, एक हाथ में कलम और दूजे में कैची है, ये कला को चीज ही ऐसी है। ओ ब्रो भाई लाइंस अलग भाई, बोलने का तरीका और जो फ्लो बना रहा भाई वो ड्रिल बीट पे, बिल्कुल भाई वो बहुत सूट कर रहा है भाई साहब, भाई मेरे को वो सिक भाई, बहुत ही ज्यादा सिक लगा मेरे को भाई। और एक तो स्माइल करके जो बोला ना उसने कलमिंग में, हाँ मतलब वो बहुत जचा भाई, बहुत ही जचा भाई वो, लेट्स गो भाई। एक हाथ में कलम और दूजे में कैची है, ये कला को चीज ही ऐसी है, ये कला को चीज ही ऐसी है, ये ये ये। मैं मेहनत से आया हूँ यहाँ तक, तू रहता बस किस्मत को कोसता, जिस बड़े को सांप बुलाता मैं आज वो माँ का लौड़ा पहले दोस्त था, वो बंदी के पीछे बदल गया मैं भी क्या करता, मैं फंसा था लूप पे, परसों रात कॉल पे बोला वो कहाँ पे, मैं बोला तेरी माँ की चूक में, मैं ऐसे नहीं आएला यहाँ तक, माँ से पूछ के कैसे हालात थे, बाप का माथा था जितना उससे भी ज्यादा थे भाई के खर्चे दवाई के, और रास्ते पैसा नहीं संभल रहा, एक था वक्त जब खर्चों से बैन थे, आज बुढ़िया की हाइक तो चेक कर, सब्जी भी लेने वो जारी मस्टैंग में, और रास्ते साड़ी डिजाइनर है आइस दिलारे की बेटों ने पैरों तक, बाप को दिला देता पर वो बेटों को देख के खुश रहता है। ब्रो अब मेरी लाइन समझ में आई है, मैं फ्लो में खो रखा था, मम्मी को तो मैंने मतलब ज्वेलरी पहना रही है पूरी ऊपर से नीचे तक दोनों भाइयों ने, पर बापा को क्या दिलाए, वो बेटा को देख, बेटों को देख के ही खुश है। ये ब्रो नाइस, चिल्लर भी गिने आज लेग्स भी है, दोनों भाइयों ने बना डाला यहां पे आया, तू खाली बस देख, बाबू भैया नाच रहे भाई, तू खाली बस देखता रह, ब्रो ये हिट करेगी वीडियो, खाली बस देखता रह, तू खाली बस देखता रह, तू खाली बस देखता रह, ऐसा लग रहा है कलमिंग हमको डिस कर रहा है, तू बस देखता रह। क्या करें फिर, क्या करें हम भाई साहब। भाई मैं सच्ची बता रहा हूं, गाना बहुत फाड़ है, वीडियो में बाबू भैया है तो वीडियो उड़ेगी भाई, बिल्कुल, क्योंकि मतलब अभी तक कोई वो मतलब कलमिंग ने कभी यूज नहीं करा, यूज कहूंगा कि मतलब नाम जिक्र भी नहीं करा एक तरीके से, हाँ। बस भाई बोल के, अब जब भी वो रेफरेंस देते थे बाबू भैया का तो बस नाम नहीं लेते थे, बस भाई ने करा दोनों भाइयों ने, कभी नेम ड्रॉप नहीं हुआ था। इस बारी वीडियो में है तो ब्रो ये वीडियो जाएगी मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा, और गाना सच में मतलब डिजर्विंग है भाई, भाई जानी चाहिए, यस तो जानी चाहिए भाई, ऐसे को खतरनाक ही लगा गाना, मतलब लिरिकली भी भाई, लिरिकली और वो टॉपिक वो कहानी और भाई एक तरीके से कि हार्डवर्क से कैसे हमने ये करा है वो है स्टोरी गाने की, और दूसरा कि पहले कैसे थे और अब कैसे, वो वाला हिसाब किताब चल रहा है और बहुत सही लग रहा है वो भाई साहब। मेरे को फ्लो बहुत अच्छा लगा, मेरे को म्यूजिक बहुत अच्छा लगा, तो पीछे इंडियन सैंपल है, इंडियन का हो गया, वोकल का हो गया, जो भी कहो से वोकल है, वैसे तो वो इंडियन तो लग रहा है वो मेलोडीज की, पर जो भी है पर उसकी वजह से जो फील आ रही है ना, क्योंकि अभी ना ट्रेंड बन गया है ब्रो, जब से वुप्टी चला है ना, बिल्कुल तब से वो ट्रेंड हो गया, और वो है अच्छा, साफ सीधी बात, बिल्कुल वो है अच्छा, सही लगना चाहिए कुल मिलाकर, और खासकर ड्रिल पे ही जचते हैं, पता नहीं क्यों, हाँ ड्रिल पे जचते हैं वो सैंपल, पता नहीं क्यों, शायद वो डार्क और वो स्मूथनेस की वजह से, क्योंकि ड्रिल में सैंपल भी ना एकदम स्मूथ सा यूज होता है, और वो इंडियन वोकल्स जो रहते हैं एकदम स्मूथ रहते हैं, क्लीन रहते हैं, तो वो ड्रिल पे बहुत जचता है, और वोकल उसके ऊपर कोई आर्टिस्ट ऐसा आ जाता है भाई कैड़ा काम करने वाला, तो फिर तो बोले ही मत भाई, फाड़ू हो जाता है भाई, मजा आ गया। बाबू भैया भी देख लिए भाई पहली बारी वीडियो में, तो ये बहुत सही रहा भाई, दोनों साथ में बढ़िया भाई, भाई मतलब और इस गानों को मेरे को लग रहा है जरूरत थी, मतलब लाइन मारी है वो भाई वाला और वो सब, तो सही है, सही में भाई मजा आ गया भाई। बहुत मजा आ गया भाई ट्रैक में, कलमिंग ने फाड़ दिया भाई इस ट्रैक से, कोल्ड वर्ल्ड, ये कोल्ड वर्ल्ड नहीं है भाई, ये तो क्या कहते हैं ब्रूटल वर्ल्ड है भाई, इसमें जैसे पेला गया है ना
तो वो बहुत खतरनाक था। पर हाँ अंदर स्टोरी हुक में था पेलम पाली, वर्स में तो पूरी स्टोरी थी उनकी अपनी, अग्रेसिव टोन में बोला गया। हाँ बस ये बाकी गाना बहुत सही है, मतलब मेरे को कोई चीज लगी नहीं खामी, तो कोई खामी और वैसा भी लगा कि हल्का सा गाना हो, हिट ही लगा पूरा पूरे टाइम, पूरे टाइम हिट कर रहा भाई स्टार्टिंग से एंड तक, मजा आ गया भाई, फुल फाड़ भाई, मजा आ गया भाई, कतल काम भाई, कतल काम, लेट्स गो मैन। बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।